नमस्कार। दैनिक जागृति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि चने की उन्नत सिफारिश की गई किस्में कौन कौन सी हैं, उनकी कितनी पैदावार है और कितने दिन में वो पककर तैयार होते हैं। बात हम चने की बुआई के समय की भी करेंगे और बीज उपचार की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना न भूलें। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़ी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए आइए बात करते हैं चने की। जैसा कि किसान भाई सभी जानते होंगे कि भारत में लगभग 80% भूमि चने की खेती के लिए असिंचित है, जिसमें चने की खेती की जाती है। उसके बाद 20% जमीन जो है वो सिंचाई के योग्य है, जिसमें चने की खेती की जाती है। चलिए बात करते हैं किस्मों की। विशाल चने की यह सर्वगुण संपन्न किस्म है, जो कि 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। इसका दाना पीला बड़ा एवं उच्च गुणवत्ता वाला होता है। दानों में सर्वाधिक 80% दाल प्राप्त होती है, इसलिए बाजार भाव भी अधिक मिलता है। इसकी उपज क्षमता 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह 110 से 115 दिन में पकने वाली किस्म है, जल्दी ही पक के तैयार हो जाती है। JAKIE यह भी देसी चने की बोल्ड दाने की किस्म है। यह 110 से 15 दिन में यह भी पककर तैयार हो जाती है। यह 19 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है, लेकिन उकठा रोग प्रतिरोधक किस्म है यह। नंबर 3 पे है JG, यह 110 से दिन में पककर तैयार होने वाली नवीन किस्म है। वो दाल के फैला वाला है, अधिक शाखाएं, गहरे गुलाबी फूल और हल्का बादामी चिकना होता है। उस पैदावार 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये भी जल्दी पकने वाली किस्म है। BG 391 यह चने की देसी बोल्ड दाने वाली किस्म है। 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती है और प्रति हेक्टेयर 14 से 15 क्विंटल उपज देती है। यह भी उकठा रोग निरोधी किस्म है। राधे यह किस्म 120 से 25 दिन में पककर तैयार होती है। यह 13 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। JG 315 यह किस्म 125 दिन में पककर तैयार होती है। औसतन पैदावार 12 से 15 क्विंटल है। प्रति हेक्टेयर बीज का रंग बादामी, देर से होने उपयुक्त है। उज्जैन इसका बीज खुरदरा होता है, यह जल्दी पकने वाली जाती है, जो 115 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दाने में 18% प्रोटीन होती है। वैभव यह किस्म 110 से 115 दिन में पकती है। दाना बड़ा जूड़ीदार और कत्थई रंग का होता है। उतेरा के लिए यह उपयुक्त है। अधिक तापमान, सूखा और उकठा निरोधक किस्म है, जो सामान्य तौर पर 15 क्विंटल तथा देर से बोने पर 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। JG 74 यह किस्म 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी पैदावार लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। K468 फसल अवधि 155 दिन, उपज 30 से 32 क्विंटल होती है। इसकी पौधे की 30 से 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, गुलाबी रंग के फूल और उकठा रोग अवरोधी है। अमर जिसको पूसा 203 के नाम से भी जानते हैं, फसल अवधि इसके लिए 165 दिन है। बीज का रंग हल्का भूरा और 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज तक पैदावार देती है। पंत जी 114 इसकी पकने की अवधि 150 दिन है। उपज से 32 क्विंटल है एवं उपकारोधी किस्म है। H365 सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। उपकारोध फसल 160 से 170 दिन की अवधि है। औसत ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, दाने भूरे पीले रंग के और औसतन उपज 22 क्विंटल है। जो जाति G130 के स्थान पर हरियाणा में इसकी सिफारिश की जाती है, G130 की जगह। RSG2 RS10 जाति के विकट से यह प्रजाति विकसित की गई। यह फसल अवधि 135 दिन, उकठा रोग
उपज 128, उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उकठा रोग रोधी है यह RS-10 दुर्गापुर जयपुर द्वारा विकसित किसान है। यह सूखा सहन कर सकती है फसल 135 से 140 दिन की अवधि में पककर तैयार होती है। यह भी उकठा रोग किसान है। सन्ने की अन्य किस्में भी हैं किसान भाइयों, जैसे पूसा 256, K850, JG-16 और KGD-1168, RSG-44, GSG-146, ICBV-10, प्रतापजना, ऐसे अनेक किस्में हैं जिनकी सिफारिश की जाती है। लेकिन इसके अन्य भी कुछ किस्में हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करें, इसी तरह से सिफारिश की गई किस्में हैं, जैसे C-235। यह किस्म तराई व सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और इसका तना जो ऊपर बढ़ने वाला है, जो 145 से 150 दिन में तैयार होती है। इसकी प्रति एकड़ पैदावार है 8 क्विंटल और यह किस्म अंगमारी यानी ब्लाइट सहनशील, परंतु कीड़ा रोग इसमें लगता है। इसी प्रकार है हरियाणा चना नंबर 1, बरानी सिंचित व पछेत्री बिजाई के लिए है। कपास व धान के बाद समस्त हरियाणा बोना व हल्का हरा तना, हल्की हरी पत्ती, लंबी प्रारंभिक शाखाएं व शेष छोटी अगेती 135 से 140 दिन में पककर तैयार होती है। आकर्षक पीले रंग के दाने, औसत पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़। यह किस्म शीघ्र पकने वाली अपेक्षाकृत फली छेदक का कम आक्रमण होता है, उकेड़ा के प्रति सहनशील है। इसी प्रकार है हरियाणा चना नंबर 2, 3 और 5। हरियाणा के पुराने क्षेत्र को छोड़कर सारे सिंचित क्षेत्रों में इसकी सिफारिश की जाती है। पौधे ऊंचे कम फैलाव लगभग सीधे बढ़ने वाली, इसकी पत्तियां चौड़ी व हरे रंग की, मध्यम 150 से 160 दिन में पककर तैयार होते हैं। दाना मध्यम से मोटा भूरा पीले रंग का, औसत पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। उकेड़ा व जड़ गलन के लिए रोग रोधी किस्में हैं ये। इसी प्रकार है PBG-7, सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए सिफारिश की जाती है। इन किस्मों की पौधे ऊंचे व सीधे मध्यम 159 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। दाना मध्यम भूरे रंग का, औसत पैदावार 8 क्विंटल प्रति एकड़। उखेड़ा व जड़ गलन के लिए हल्का रोग रोधी व अंगमारी के लिए रोग रोधी किस्में। अब बात करते हैं काबुली चने की, जो सिफारिश की गई किस्में हैं वो इस प्रकार। काबुली चने की बात करें तो हरियाणा काबुली नंबर 1, हरियाणा राज्य के बरानी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। पौधा फैलावदार, मध्यम दाना, मध्यम आकार का, गुलाबी सफेद पकने में अच्छे, औसत पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। अन्य काबुली किस्मों की अपेक्षा कर उखेड़ा रोग नहीं लगता है। इनको नंबर 2 पे है हरियाणा काबुली नंबर 2। हरियाणा राज्य के बरानी क्षेत्र को छोड़कर ये भी सभी क्षेत्रों के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। दाना मध्यम मोटे आकार का सफेद होता है, औसत पैदावार 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म चने की मुख्य बीमारी की रोग रोधी किस्म है। L-552 हरियाणा राज्य, यह बरानी क्षेत्र को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उगाई जा सकती है। दाना मध्यम और मोटा करीमी सफेद रहता है, औसत पैदावार 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसी प्रकार किस्में हैं JGK, यह काबुली चने की 95 से 110 दिन में पककर तैयार होने वाली उकठा रोग निरोध किस्म है, जो कि 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। इसी प्रकार है सवेता, जिसको ICBV-2 के नाम से भी जानते हैं। काबुली चने की यह किस्म का दाना आकर्षक मध्य आकार का होता है। फसल 85 दिन में पककर तैयार होती है। औसतन पैदावार है 13 से 20 क्विंटल और सूखा और सिंचित क्षेत्र के लिए उत्तम किस्म है। छोला अत्यंत स्वादिष्ट तथा फसल शीघ्र तैयार होने के कारण बाजार भाव भी अच्छा मिल जाता है। इसी प्रकार है मैक्सिकन गोल्ड, मैक्सिकन गोल्ड ये
यह सबसे बोल्ड, सफेद, चमकदार और आकर्षक चना है। यह 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बड़ा और स्वादिष्ट दाना होने के कारण बाजार भाव भी सर्वाधिक मिलता है। औसतन 25 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। यह कीट रोग व सूखा सहनशील किस्म है। इसी प्रकार है काकटू। यह 120 से 125 दिन में पकने वाली किस्म है। इसकी औसत उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह भी उखा रोग निरोधक किस्म है। इसी प्रकार है L144। सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बीजों का सफेद रंग, फसल 104 दिन की अवधि में पककर तैयार, 15 से 20 क्विंटल, तना मोटा, जल्दी बढ़ने वाला, परिपक्वता अगेती दाने पीले, नारंगी, सुडोल, खाने में बहुत अच्छे से गपकने वाले होते हैं। C-104। दाने सफेद रंग के, फसल 160 से 165 दिन की अवधि में पकके उपज 15 से 20 क्विंटल है। इसी प्रकार है K-5। यह किस्म 170 दिन में पककर तैयार होते, सुडोल और चीकने और उपरोधी होते हैं। अब बात करते हैं अरे चने की किस्मों के लिए। जो किसान भाई अराजा उगा के और उसको खेत में ही बेचना चाहते हैं, वो किस्में इस प्रकार है कि माँ, यह किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। औसत 13 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। इस किस्म का बीज छोटा होता है और 100 दानों का वजन 15 ग्राम के आसपास होता है। G-G-J-G-G-1। यह किस्म 120 से 125 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है और इसकी औसत उपज 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। अभी हम बात करेंगे बीज उपचार की। चने की बुआई के लिए छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए किसान भाइयों को 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और जो बड़े दाने होते हैं उनकी 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार, बीज को पहले रासायनिक फफूंद नाशक से उपचार करें, फिर कीटनाशक से करें और अंत में जैविक तरीके से उपचार करना चाहिए। फसल को उखठा रोग व जड़ गलन से बचाव के लिए बीज को बुआई से पूर्व फफूंद नाशक विटावैक्स, पावर, कैप्टन, सिक्सर, थायरम, इनमें से कोई भी एक दवा लेकर 3 ग्राम दवा और प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करें। दीमक के लिए 100 किलोग्राम बीज को 800 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc में मिलाकर उपचार करना चाहिए। इसके पश्चात 1 किलोग्राम बीज में राइजोबियम कल्चर और ट्राइकोडर्मा वीडी से 5-5 ग्राम मिलाकर उपचारित करें। उसके बाद बात करते हैं बुआई का समय। किसान भाइयों, सिंचित क्षेत्र के लिए आप चने की बुआई नवंबर माह में कर सकते हैं और ऐसी चीज के लिए मध्य अक्टूबर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जहां तक बीज बुआई की गहराई की बात है, 6 से 8 सेंटीमीटर गहरा बीज खुडू में डालें और 8 से 10 यानी खुड से खुड की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीज की दूरी कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक और नई जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को कहूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद।